चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अपने वेक्टर की एक्सरसाइज नंबर 5.4, ठीक है, जो कि अपने क्रॉस प्रोडक्ट के बेस ऑन है। आज हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 5.4 का सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक बार उसको अच्छे से ईमानदारी के साथ 5.4 को सॉल्व कर लिया है। चलिए थोड़ा वॉइस चेक करके दिन स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार वॉइस चेक कर लें, दिन शुरू हो जाएंगे, राइट। चलिए वॉइस बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। हेडिंग शायद अच्छे से नहीं लिख रही है, तो एक बार लिख लेते हैं फिर। वेक्टर एक्चुअली क्या है, मार्कर खराब है और बाहर हो रही है बारिश, है ना। मैं अभी जस्ट ये वेक्टर खत्म कर देता हूँ, इसके बाद जाके लेके आएंगे। दोनों ही खराब, इंक भी खराब है, कल इंक लेके आए लेकिन थोड़ा इंक खराब निकले। चलिए आ जाइए तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट टू क्वेश्चन आप लेंगे। आ जाओ जरा, है ना, दोनों क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो दो अगर साथ में ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगी एक्सरसाइज। फर्स्ट, इफ ए एंड बी दिस देन फाइंड ए प्लस बी क्रॉस, इफ ए 2i प्लस 3j माइनस k कैप एंड b इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 2k कैप, आपको बताना है a प्लस बी क्रॉस a माइनस ठीक है। आइए नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर j प्लस 2k कैप एंड i प्लस j, ठीक है। फर्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे आपको सबसे पहले a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी दोनों निकालिए फटाफट से। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस आई दैट इज 3i, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस j कैप, ये सच में नहीं चल रहा, इसको रखना ही पड़ेगा, प्लस 2k एंड दिस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस k कैप। दिस इज माय a प्लस b वेक्टर राइट देयर, a माइनस b वेक्टर a माइनस b मतलब 2 माइनस i, 2i माइनस i दैट इज i कैप, 3 माइनस दिस टू हो जाएगा हमारा प्लस 7 जे कैप, के माइनस 2 के माइनस 3 के कैप, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, क्रॉस करना बहुत आसान है राइट, आई जे और के, ए प्लस बी कितना है 3 1 एंड 3 1 एंड 1 1 7 3 1 7 क्रॉस करिए, ये गया प्लस 3 7 1 7 माइनस जे, ये गया माइनस 9 माइनस 1, ये गया 7 3 21 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 4 आई कैप माइनस 1 माइनस 9 प्लस 10 जे कैप 22 के कैप। दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस,
क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही कि वो वेक्टर जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है सर ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही है। तो इसके और इसके परपेंडिकुलर मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों को क्रॉस निकालना पड़ेगा। इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर और इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे एंड के। ए हमारा ये रहा 0 1 और 2, 0 1 एंड 2, देन बी 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब इनका क्रॉस निकालना बहुत ज्यादा ही आसान है। आई ये गया ये गया, तो 1 into 0 0 1 into 2 minus 2 minus j, ये और ये, this into this और this, तो minus 2, ठीक है। देन ये गया और ये गया, 1 into 0 और 1 into minus 1, तो minus 1 आ गया। minus 2i plus 2j minus k है, राइट, ठीक है। तो ये आ गया इस दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन एक बात सुनो, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लो क्या निकालना है, अच्छा यूनिट वेक्टर निकालना है पहले, है तो यूनिट वेक्टर भी इसका निकाल दें। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको आप उन लोग मान लो एक नया वेक्टर सी वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर दैट इज माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। इसका मॉड आप देख सकते हो 3 है भाई, मैं नहीं निकाल रहा, आप देख सकते हो, राइट। तो ये हमारा आ गया। लेकिन एक बात सुनो, देखो अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इसका क्रॉस एक ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी तो हो सकता है ना, एक प्लस माइनस लगा दो कोई बुराई नहीं है। तो सी कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय 3, दिस इज माई सी कैप, ठीक है। चल जल्दी डन कर लो, फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। सेकेंड डन, हमने सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने डन कर लिया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड ए डॉट बी इक्वल टू रूट 3 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 2i प्लस j प्लस टू के कैप। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये थर्ड है, फोर्थ भी लिख लेते हैं साथ में, जब तक छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे तो साथ साथ में दो लेने में कोई बुराई नहीं है, देखिए, है ना। चलिए फोर्थ, if a and b are this, find the vector having magnitude phi and perpendicular to both a and b. if a 2i plus j minus 3k cap, 2i plus j minus 3k cap and b i minus 2j plus k cap, i minus 2j plus k cap, find the vector, find vector having
मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है वो वेक्टर बताइए। चलिए तो सॉल्व ही कर लेते हैं एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, आगे काम आएगा इसलिए हम पहले निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आप देख सकते हैं आ चुका है 2, 4, 4, 1, 8, तो टोटल 9, दैट इज 3, राइट ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये हमको पता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको रूट थ्री दे रखी है, क्या इसको लिख दे ऐसे, रूट थ्री इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, पक्का। चलिए नेक्स्ट, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमने थ्री निकाल दिया, तो थ्री इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो जरा, बोथ को डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, रूट थ्री बाय थ्री इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से ध्यान से देखोगे ये और ये कैंसिल, रूट थ्री और ये तो कितना हो गया हमारा, वन बाय रूट थ्री कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट थीटा। चाहो तो आप बोल सकते हो टेन थीटा कितना आ गया, रूट थ्री आ गया, मतलब थीटा हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। नाउ दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चल यहां पे बात करें, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये दो वेक्टर हमको दे रखे हैं, ठीक है। देन फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 और परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो बड़ा ऑब्वियस है, ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी पहले निकालना है, बाद में ये सोचने सोचेंगे। आई जे के ए क्रॉस बी, 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 बी 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 और 1 क्रॉस निकाल दें, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई, ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 1 3 टू जा 6, तो 1 माइनस 6 दिस इंटू दिस 2 अंजा 2 1 इंटू माइनस 3, तो यहां पे प्लस 3 लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन प्लस के ये गया 2 इंटू 2 माइनस 4 1 इंटू 1 और सिंप्लीफाई बनता है भाई, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। हमको क्या चाहिए भाई, हमको वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइड बाय इसका, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 एंड 25, 5 बाहर ले लो सब 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या डायरेक्ट लिख दे i माइनस j माइनस के कैप डिवाइड बाय रूट 3, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, राइट, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्या बात सही है। चल अब इस तो वो वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और ये इसकी डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या डायरेक्शन, तो मान लेते हैं लेट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइड बाय रूट 3।
इसको नोट डाउन कर लो, साथ साथ में इंक भी डालना पड़ेगा क्योंकि देखिए मार्कर थोड़ा सा डेंजरस जोन में है, ठीक है ना। तो मैं इंक भी डाल दूं थोड़ा सा। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, हम लोग कहाँ पे है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, राइट। तो 5 तो आराम से करेंगे जल्दी से। चले थर्ड एंड फोर्थ हमने डन कर लिया, चलिए फिफ्थ की ओर मूव करेंगे। मिटा दे फटाफट, चलिए आइए यहां पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक डन हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स आप साथ में ले लेंगे। फिफ्थ यू, अच्छा फिफ्थ में दो पार्ट है, इस बात को ध्यान रखा जाए। तो 5.1 हम लोग 5.1 कर रहे हैं, ठीक है ना। यू डॉट वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मॉड यू दे रखा है 2, मॉड वी आपको दे रखा है 5, एंड मॉड ऑफ यू क्रॉस वी आपको दे रखा है 8, ठीक है। लिटिल बिट इजी क्वेश्चन। 5.2 मॉड ऑफ यू क्रॉस भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मॉड यू आपको दे रखा है 10, मॉड भी आपको दे रखा है 2, यू डॉट भी आपको दे रखा है 12। ये 5 का फिफ्थ के दोनों क्वेश्चन थे। चलिए 6 भी देख लेते हैं, साथ में ले लेते हैं। प्रूफ दैट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी क्रॉस टू टाइम्स ऑफ द ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द ए क्रॉस बी, ये हमको प्रूफ करना है। लिटिल बिट इजी क्वेश्चन आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई मीन पांचवे का फर्स्ट एंड पांचवे का सेकेंड आ जाए। देखें चलिए, तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ यू क्रॉस वी डिवाइड बाय मॉड यू मॉड वी। इसमें आई थिंक मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी। ओके, ये हमको 8 दे रखा है, मॉड यू मॉड वी 2 × 5 2 × 2 = 4 तो साइन थीटा कितना आ गया आपका, ये आ गया 4/5, राइट। अगर यहां से कोई cos थीटा पूछे, cos थीटा कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ट्रायंगल यूज कर लो या फिर फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, ये आ गया 3/5। चलिए दिस इज माय cos थीटा, हमको u डॉट v चाहिए। तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू मॉड u मॉड v cos थीटा। तो मॉड u 2, मॉड वी 5, कॉस थीटा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 2, 3 = 6, तो यू डॉट वी इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पे आइए, यू डॉट वी हमको 12 दे रखा है, तो बताइए जरा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यू डॉट वी अपॉन मॉड यू मॉड वी, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई यू डॉट वी 10 और 2, राइट। 2 × 2 = 6, अरे हाँ की ना, देन 2 × 3 = 2, 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा जो है वो 3/5 निकल के आ रहा है, तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा 4/5। ठीक,
चलिए, तो हमने साइन थीटा निकाल दिया, हमसे क्रॉस पूछा है, तो यू क्रॉस वी का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड यू मॉड वी साइन थीटा, तो मॉड यू कितना है 10, मॉड वी कितना है 2, साइन थीटा कितना है 4/5, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो यू क्रॉस वी इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 16। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसको देखिए जरा, 2 टाइम्स ऑफ द ए माइनस बी क्रॉस 2 टाइम्स ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां से 2 बाहर ले लीजिए, तो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, 2 कॉमन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखा जाए। ठीक है, हम ऐसे 2 को बाहर ले सकते हैं, राइट। अब मल्टीप्लाई करिए आसानी से, ए इंटू ए, ए क्रॉस ए, दिस इंटू दिस, तो प्लस ए क्रॉस बी, ए खत्म, बी की बारी, माइनस बी इंटू ए, तो माइनस बी इंटू ए क्रॉस, देन माइनस बी इंटू प्लस बी, माइनस बी इंटू क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो क्या ये इक्वल टू जीरो होगा, हाँ सेम का क्रॉस जीरो होता है ना, आई क्रॉस आई जीरो होता है, वैसे ए क्रॉस ए जीरो, सिमिलरली बी क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा, राइट। देन तो टू टाइम्स ऑफ द ए क्रॉस बी, देन ये देखो माइनस है और ये बी क्रॉस ए लिखा है, इसको प्लस करके ए क्रॉस बी लिख दो यार, ये कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ द ए क्रॉस बी, राइट। तो 2 2 जा 4 ए क्रॉस बी, दिस इज माय आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको, फिर जल्दी आगे चले, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इस बात को ध्यान रखा जाए। चलिए 7 की ओर मूव किया जाए, अभी तो बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहे, हाँ लेकिन कुछ देर बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखा जाए। अभी तो बहुत बेसिक, एक बोर्ड में दो दो क्वेश्चन आ जा रहे, इतनी इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए। अपनी महाराष्ट्र बोर्ड वाली जो बुक है उसमें सच में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बुक को भी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे एमएससीटी में 90% काम तो हो जाएगा। हाँ 10% के लिए हमको पीवाई क्वेश्चन अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई अगर रेफरेंस बुक हम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर हमारी हो ही जाती है अपनी बुक से, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आ जाइए जरा 7 वेरीफाई करना है आपको, तो बट अभी से एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 3k कैप, ए दे रखा है, बी दे रखा है आपको 4i माइनस 3j प्लस k कैप ए बी, देन सी दे रखा है हमको आई माइनस जे प्लस 2k कैप, वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये आपको वेरीफाई करना है, वैसे तो होता ही है ना, लेकिन हमको इस डाटा के हिसाब से वेरीफाई करना है, होता है कि नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसमें क्या ही सोचने वाली बात है। चलो आ जाए कर दे वेरीफाई। चलो तो सबसे पहले बी प्लस सी निकाल दो, यहां पे हेल्प कर जाएगा, तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू, माइनस 4j राइट 3k कर, ये हमने b प्लस सी निकाल दिया। अब a क्रॉस b प्लस सी कर दो,
ए क्रॉस बी प्लस सी। ए कितना है, पहले आई और जे और के लिख दो। ए कितना है, 1 माइनस 2 एंड 3। देन बी प्लस सी 5 माइनस 4 एंड 3। अब इसका क्रॉस कर देते, आ जाइए जरा, तो ये गया ये गया, तो 3 2 जा -6, 3 4 12, तो प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से। ये गया तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 दैट इज 15, -15, देन प्लस ये क्या है, ये गया और ये गया, 1 इंटू 4 दैट इज -4, देन -2 इंटू -5 दैट इज +10। क्या बात सही है, अरे हाँ की ना, आगे देखिए, -5 i कैप +12 j कैप, ठीक है ना, देन -4 प्लस 10 दैट इज 6 k कैप, ठीक है ना, पक्का। चलिए नेक्स्ट है, अब a क्रॉस b निकालते हैं, चलिए जरा a क्रॉस b i j k, तो a क्रॉस b 1 माइनस 2 एंड 3, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 एंड 1, ठीक है। तो i ये गया ये गया, -2 प्लस 9 देन -j, ये गया ये गया, 1 इंटू 1, 4 3 12 प्लस के, ये गया ये गया, -3, 4 2 8 प्लस 2 प्लस 8 आ जाएगा, है ना, यहाँ से -8 मिलेगा तो यहाँ पे +8, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7 i कैप, +11 j कैप, है ना, देन +5 k कैप, राइट। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नीचे ही निकालते, चलिए देन ए क्रॉस सी निकालते हैं, आ जाइए जरा ए क्रॉस सी आई जे के, ए क्रॉस सी तो 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, ठीक है, सी 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा i, 2 2 जा -4, ठीक है, एंड -4 एंड +3, ठीक छे, देन माइनस j, ये गया और ये गया, 1 इंटू 2, राइट, देन ये गया ये गया, तो 1 इंटू 2 एंड -3, ये गया तो प्लस के, ये तो 1 इंटू -1 एंड 2 इंटू 1 दैट इज +2, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं +2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, आ जाओ आगे देखो, यहाँ पे -4 प्लस 3 तो -i कैप, राइट, देन 2 माइनस 3 तो +j कैप, देन -1 प्लस 2 तो +k कैप, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, इसको हमने ठीक ठाक किया ना भाई, -6 ये गया तो 3 2 जा -6 एंड 3 4 12, यहाँ पे 12 आया था ना भाई यार, तो ये हमारा +6 हो जाएगा, है ना, और सब सही है ना, देखिए ना यहाँ पे जब ये करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा -6 तो -6, 3 4 जा -12 और माइनस की वजह से +12 आ गया, राइट, है ना, तो ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक थी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए जरा, है ना, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो जरा, a क्रॉस b प्लस दिस, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, चलिए तो ऐड कर देते हैं, तो ये रहा हमारा a क्रॉस b, तो 7 i और -i दैट इज 6 i, देन
11i और दिस दैट इज 12j कैप, देन 5 प्लस 1 दैट इज 6k कैप, राइट, जो कि 6 12 6 से मैच हो रहा है, यस और नो? बट ऑब्वियस ये ट्रू होता है तो ये मैच होना चाहिए, तो हमारा ट्रू हो गया, राइट, वेरीफाई तो करना था, यस और नो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यस बेसिक सी बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो डन था, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये मान लो एक पैरेललोग्राम है, इसके आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है, एक साइड मान लो ये दे रखी है 2i माइनस 2j प्लस k कैप, और दूसरी साइड दे रखी है b इज इक्वल्स टू i माइनस 3j माइनस 3k कैप। हर कोई आप जानते हो भाई कि एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो मॉड ऑफ a क्रॉस b होता है, तो इसका मतलब कि पहले मॉड निकालो फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, राइट, मॉड निकालो फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फिर क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही देंगे। आइए जरा I, J और K, वन A क्रॉस B निकालते, टू टू एंड दिस टू माइनस टू एंड वन, वन माइनस थ्री माइनस थ्री, वन माइनस थ्री माइनस थ्री, अब इसका क्रॉस निकालना है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ये गया ये गया ये सिक्स माइनस थ्री है तो यहाँ पे आके प्लस थ्री हो जाएगा, राइट, माइनस जेड ये गया तो टू इंटू थ्री दैट इज माइनस सिक्स है, वन इंटू वन दैट इज माइनस वन, देन प्लस के ये इंटू ये तो टू इंटू थ्री दैट इज माइनस सिक्स, देन टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन दैट इज माइनस टू, इधर आके प्लस टू हो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 9i कैप प्लस 7j कैप प्लस माइनस 4k कैप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका मॉडुलस, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a क्रॉस b, राइट, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया जाए, 9 6 15 15 1 16 4 1 5 और 8 5 13 1 14 दैट इज 146, दिस इज माय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नोट डाउन कर लो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था, 9 की ओर मूव किया जाए, ठीक है ना, देखो जरा चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट एरिया ऑफ लेटरल ए बी सी डी is half of the AC cross BD where AC and BD is diagonals where AC and BD are diagonal, ठीक है ना, चल बनाया जाए डायग्राम, देखिए जरा एक प्यारा सा डायग्राम देख लो जरा, ये मान लो कोई हमारा जर्नल
कोऑर्डिनेटर है, कोई ऐसा फिक्स नहीं कौन सा जर्नल है, ठीक है ना, तो इसको जर्नलाइज वे में ही बनाते हैं, कोई भी जर्नल कोऑर्डिनेटर हो सकता है, देयर इज नो अबाउट दिस, ए बी सी और डी, एक हमारी डायगनल ये है, एक हमारी डायगनल ये है, इसको अपन ओ बोल देते हैं हाल फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत बात नहीं, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, मैंने कुछ नाम दे दिया उसमें क्या ही बड़ी बात है, राइट। तो अगर आप बोलोगे तो ए सी वेक्टर को क्या मैं ए ओ वेक्टर और प्लस ओ सी वेक्टर ऐसी फॉर्मेट में लिख दूं, सिमिलरली बी डी वेक्टर को क्या मैं बी ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर ऐसे लिख दूं, पक्का जस्ट ये रिटर्न कर दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हमको दिया क्या है, इसको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो 1/2 ए सी क्रॉस बी डी, ठीक है, तो सारी वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो 1/2 ए सी क्या है हमारा, ये है एओ प्लस ओ सी वेक्टर क्रॉस बी डी, क्या है हमारा ठीक है, अब कर दे मल्टीप्लाई, ए क्रॉस बी ठीक है, दिस इनटू दिस, ए क्रॉस ओडी प्लस, इसका इससे हो गया, इसका इससे भी हो गया, इसकी बारी ओसी क्रॉस बी ओ, देन दिस इनटू दिस, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या लिखा है ए ओ बी यू है ना, तो ए ओ एंड दिस, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या इसको लिख सकते हैं, ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ए ओ ओ डी, ए ओ ओ डी क्या ये हो जाएगा हमारा, लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस ये ओ सी, ओ सी एंड ये क्या लिखा है बी ओ, ठीक है ना, दिस इज बी ओ, बी ओ, तो मतलब ये क्या है हमारा, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा क्या है डी ओ सी ना, तो डी ओ सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने क्या किया है, मैंने चारों को ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल ऐड कर दिया, तो क्या आ गया ओवरऑल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, राइट। चल इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, चलें आई 9 डन, क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर से क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एरिया निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ बस फर्क ये वाला ये है कि इसमें आपको डायगोनल दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करिए, तो आपको डायगोनल दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हूज डायगोनल्स, एक डायगोनल मान लो ये दिया हुआ है 3i माइनस जे माइनस 2 के, क्या दिस इज माई ए डायगोनल, और ये वाला डायगोनल मान लो बी डायगोनल है, माइनस आई प्लस 3j माइनस 3 के। अब आप हर कोई जानते हैं भाई कि पहले तो क्रॉस निकालना पड़ेगा, बिना कुछ सोचे समझे आप उन पहले क्रॉस निकाल देते हैं, ठीक है ना,
एरिया ऑफ, अगर डायगोनल दिया है, अगर डायगोनल दिया तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ द मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यस और नो? तो बड़ा ऑब्वियस है, ए क्रॉस बी तो निकालना ही पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए भी निकाल दो, मॉड की बात चल रही है वैसे भी, आई जे के, तो ए कितना है, ये रहा 3-1-2, 3-1-2, बी कितना है, -1-3, -3, -1-3, -3, राइट? तो आई ये गया +3, -6, तो यहां पे आएगा तो +6 हो जाएगा, देन माइनस जे, ये गया और ये गया तो -9, +2, तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, राइट? देन प्लस के, ये गया 9, -1 × -1, दैट इज यहाँ पे ओवरऑल -1 आ गया, ठीक है? 6-3-9, दैट इज 9 आई कैप, -9, -2, -11, प्लस 9-1, 8, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है ए क्रॉस बी, ठीक है? अब इसका मॉड भी निकाल दें, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81, 1-1, 64, ठीक है? 4-1-5, 1-6, 6-2-8 और 8 और 8 16, 1-1-2, ठीक है ना, 6-2-8, 4-2-6, हाँ चलो सही, तो ये हमारा क्या आ गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बताइए जरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, 1/2 क्यों आया भाई, क्योंकि ये डायगोनल्स है, साइड्स नहीं है, क्या है ये, डायगोनल्स है, जब भी डायगोनल होगा तो 1/2 आएगा, ठीक है ना, पक्का? चलिए, तो यहां से आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 266, दिस इज माई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स इज नोन, राइट? अगर हमको डायगोनल पता है तो, चलो राइट, अगर साइड्स होती तो 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बात खत्म, राइट? अगर साइड्स होती तो 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये डायगोनल है ना, इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसा करके लिखा हुआ। चलें, क्वेश्चन नंबर 10 डन, 11 आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, आइए 11 देखिए, ए बी सी डी फोर डिस्टिंक्ट वेक्टर, ठीक है ना, 11 ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी एंड डी आर फोर डिस्टिंक्ट वेक्टर, ठीक है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस डी एंड एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस डी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस डी, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, पी टी मतलब प्रूफ दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, पैरेलल प्रूफ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा होले होले, आ जाओ देखिए यहां पे, चल सॉल्यूशन, हमको दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो देखो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है क्रॉस प्रोडक्ट वाली चल रही है और प्रूफ पैरेलल करना है, तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो जीरो आ जाता है, ऐसा कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, तो एग्जैक्टली हमको ये प्रूफ करना है, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो प्रूफ करना है ना, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट जीरो प्रूफ करना है, चलिए ठीक है, ओके, तो हमको दिया क्या है, गिवन है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस डी, ये गिवन है,
और दूसरा गिवेन है ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस डी। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई, कैसे ये लेके आया जाए? देखो माइनस है यहां पे, है ना, माइनस है, एक बार दोनों को माइनस करके देख लो जरा, ये माइनस ये, क्योंकि माइनस है इसलिए ऐसा लगा कि एक बार माइनस करके देख लेते हैं, और कुछ ऐसे तो बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया माइनस, हो तो गया माइनस। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, आप ये जानते हो कि ये ए और ये ए बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है, तो इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है ना, देन इज इक्वल्स टू, यहां से ये बी बाहर आएगा, सॉरी ये डी बाहर आएगा, ये डी और ये डी बाहर आ जाएगा, तो इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, सी माइनस बी क्रॉस डी होगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस डी हो जाएगा। याद रखना अगर डी इधर कोने में है, ये कोने में ही आएगा डी, ठीक है ना। चलो अब इसको इस साइड ले लो जरा, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है, इसको अंदर ले लीजिए जरा, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस बी क्रॉस डी, ठीक है, ठीक, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन दिक्कत एक है, इक्वल टू जीरो कर दो जरा, फिर बात करते हैं। दिक्कत ये कि इधर सी माइनस बी लिखा है, इधर क्रॉस ए है, तो परेशानी हो रही है। बात तो सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो जरा, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो एक माइनस बाहर आएगा, जब मैं देखो अगर मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखूं तो क्या होगा, एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल सही, लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहीं पे इसको मैं उल्टा लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा ये, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो डी क्रॉस सी माइनस बी, अभी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है ना, प्लस डी। अब मैं इसको भी उल्टा करता हूं, मतलब ये सी माइनस बी लिखा है तो इसको मैं लिख देता हूं b माइनस सी, फिर से एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये फिर से माइनस हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, b माइनस सी बाहर ब्रैकेट खींच लो बाहर, तो b माइनस सी बाहर खींच लिया, a क्रॉस ये क्रॉस हो गया और ये बच गया, तो a माइनस डी इक्वल टू जीरो, ये ले लो, यही तो प्रूफ करना था। फिर कुछ बोल रहे होगे सर देखो ना यहाँ पे पहले b माइनस सी ए क्रॉस डी, अरे भाई वो तो लिखने का तरीका है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, जीरो आ रहा है तो आप कैसे भी लिखो, इसे भी जीरो ही आने वाला है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखो ऐसे लिखो। हाँ याद रखना a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन भाई यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, तो जीरो में भी क्या ही सोचना, यस और नो, और दोनों का ही जीरो आएगा। चलो तो ये हमारा प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूफ दैट b माइनस सी वेक्टर इज पैरेलल टू a माइनस डी वेक्टर, ये प्रूफ हो गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, राइट। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो डन, चलिए 12 की ओर मूव किया जाए। आ जाइए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए 11 डल 12 ए वेक्टर एंड सी वेक्टर दिस दिस एंड दिस देन फाइंड द दिस, चलिए जरा देखिए 12 ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है ना, एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जे माइनस के कैप, फाइंड वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर वेक्टर बी
बी सेटिस्फाइंग क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई, कंडीशन कंडीशन दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू थ्री, ठीक है ना। चलो सब सही है ना भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे का प्लान, सी इज इक्वल टू जे माइनस के, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इक्वल टू थ्री। चलो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आ जाइए जरा सॉल्व किया जाए, ठीक है। ए एंड सी देन फाइंड अ वेक्टर बी, बी वेक्टर आपको फाइंड करना है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। लेट अज्यूम दैट लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज माई बी वेक्टर, कोई दिक्कत? ओके। अगर ये हमारा बी वेक्टर है तो क्या हमको ये दिख रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू तीन है, तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा आई प्लस जे प्लस के कैप, और बी तो हमारा क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू तीन। तो यहाँ से क्या ऐसे बोल दो डायरेक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, दिस इज माई कंडीशन नंबर वन, राइट। देन नेक्स्ट कंडीशन ए क्रॉस बी जो है सी के बराबर है, तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लें इज इक्वल टू आई जे के, ए क्या है हमारा ये है वन 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 एंड वन, देन बी क्या है हमारा ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये जो भी आएगा वो सी के बराबर होगा, मतलब जे माइनस के बराबर। तो आई इंटू ये गया ये गया ये वाला गया और ये गया, तो जेड माइनस वाई ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस जेड जेड माइनस एक्स, ठीक है। देन प्लस के ये गया और ये गया, तो वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये हमारा सी वेक्टर के बराबर है। चलिए यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, है ना। सी वेक्टर हमारा ये है, देखोगे इसका एक बार चलो लिख लो जरा, जेड माइनस वाई आई कैप, देन इसको मैं x माइनस जेड लिखता ताकि इसको पॉजिटिव कर सकूं, ठीक है ना। x माइनस जेड जे कैप, देन y माइनस एक्स y माइनस एक्स के कैप इज इक्वल्स टू जीरो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दें i को y के साथ, तो यहां से अगर आप इक्वल करोगे तो जीरो के बराबर है, तो z माइनस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब z इक्वल टू वाई, तो पहला रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। देन नेक्स्ट x माइनस जेड जो है वो किसके बराबर है भाई, j के बराबर है ना, देखो j और j, तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू वन। चलिए नेक्स्ट इक्वालिटी यूज करते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, और y जो है वो क्या है आपका z के बराबर है, और ठीक है आ जाओ। तो यहां से कुछ खास नहीं मिल रहा, इसको यहां पे लाओ जरा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, ठीक है ना, और z और y हमारे बराबर है, तो यहां पे y रख दो, तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, क्या बात सही है। और x और y का एक रिलेशन ये रहा, तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। यहां से और देखे जरा ध्यान से, तो x और x तो कैंसिल हो गया राइट, 2y और y तो हमारा 3y हो गया, 3 माइनस वन ये हमारा 2 हो गया, तो y की वैल्यू तो हमारी निकल के आ रही है 2 बाय 3, और अगर हमारी y 2 बाय 3 है तो हमारा z भी 2 बाय 3 आ जाएगा, राइट। अब यहां से x निकाल लो, तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन रखिए जरा, तो y कितना है हमारा 2 बाय 3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसको इस साइड भेज दो और इसको इस साइड, तो 2 बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो x कितना आ गया हमारा 5 बाय 3, दिस इज माय x, राइट। हमने x प्राप्त कर लिया, हमने y प्राप्त कर लिया और z, तो क्या हमने b वेक्टर को डायरेक्टली प्राप्त कर लिया, बिल्कुल प्राप्त कर लिया भाई। तो b वेक्टर
इज इक्वल टू एक्स कितना है ये रहा 5/3 i कैप राइट, देन y कितना है 2/3 j कैप, z कितना है 2/3 k कैप, दिस इज माय ओवरऑल b वेक्टर। आई थिंक बात क्लियर, नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 डन, 13 की ओर मूव किया जाए, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमने बी वेक्टर माना और जो जो उसने बोला वो मैंने करते गया, यस और नो, कोई बड़ी चीज हमने नहीं की है यहाँ पे। चल क्वेश्चन नंबर 12 डन, 13 की ओर मूव किया जाए, चले आ जाए, आई आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमने डन कर लिया, 13 की ओर मूव कर रहे हैं, आ जाइए जरा, क्वेश्चन 13, इफ सॉरी फाइंड ए वेक्टर आपको निकालना है इफ ए क्रॉस आई प्लस 2 a वेक्टर माइनस 5 j वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है ना, आपको ये फाइंड करना है यहां से ए वेक्टर। चल आ जाएं, देखें, चल सॉल्यूशन, हमको ए वेक्टर फाइंड करने थे, फिर से हम क्या करेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज माय ए वेक्टर, हमने ए वेक्टर को अज्यूम कर लिया, ठीक है, अब यहां पे रखिए जरा ए वेक्टर को, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई राइट प्लस 2 times ऑफ द ए, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देती, हो जाएगा हमारा 2xi कैप 2yj कैप एंड 2zk कैप, ठीक है, इसको इस साइड ले लो जरा, तो ये हमारा हो जाएगा 5j कैप, क्या बात क्लियर है, आ जाओ फिर आगे चलें, i क्रॉस i, आप ये तो जानते हो ना भाई, ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट तो जानते हो ना, मान लो हमारा आई है, ये हमारा जे है और ये हमारा के है, ठीक है, तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, सेम का सेम जब क्रॉस करते हैं तो 0 होता है, तो आई क्रॉस आई ये तो 0 हो गया, देन जे क्रॉस आई जे आप उल्टा जा रहे हो, देखो ऐसे जाना चाहिए आपको ना, जे क्रॉस आई तो माइनस के आ जाएगा, ठीक है, तो वाई इंटू माइनस के कैप आएगा, तो माइनस बाहर ले लिए, देन के इंटू आई मतलब सॉरी के क्रॉस आई तो प्लस जे आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा जेड जे कैप राइट, k cross i इज इक्वल टू प्लस जेड जे कैप, क्या बात क्लियर है, देन इज इक्वल टू, अब इसको मिटा दिया, स्पेस नहीं है देखिए हमारे पास, देखिए इसको प्लस 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप, ये जेड लिखा है 2zk कैप इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए जरा 0i कैप 5j कैप एंड 0k कैप, कोई दिक्कत है ना, चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आइए अब यहां से ध्यान दो 2xi कैप तो 2xi कैप ठीक है, देन j ये j और ये j, तो कितना हो जाएगा हमारा 2y plus z, तो 2y plus z j कैप, ठीक है ना, 2z और -y, तो 2z minus y के कैप इज इक्वल्स टू 0i कैप 5j कैप प्लस 0k कैप, अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर लगा दे, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट देखोगे जरा, यहाँ पे i यहाँ पे 0 है ना, तो x की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई राइट, तो हमने क्या प्राप्त कर लिया, x इक्वल टू 0 प्राप्त कर लिया, चलिए देन 2y plus z इक्वल टू 5, 2y plus z इक्वल टू 5, नेक्स्ट ये भी 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2z minus y equal to 0, तो y equal to 2z, ठीक है ना,
यस और नो? यहाँ पे 2y + z राइट, यहाँ पे 2z और -y, चलिए ठीक है आ जाओ। तो हमने y की वैल्यू क्या पाया, 2z पाया, तो यहाँ पे रखिए जरा, तो हो जाएगा 2 × y की जगह हम क्या रख देंगे, 2z रख देंगे प्लस z इक्वल टू 5, ठीक है ना। 2 × 2 = 4 प्लस z, इसको इधर देख लेते हैं, 2 × 2 = 4 प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 4z प्लस z इक्वल टू 5, तो 5 ये z है ठीक है ना, z 5z इक्वल टू 5, अर्थात z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई राइट। हमने z को कितना प्राप्त कर लिया, 1 प्राप्त कर लिया। चलिए अगर z हमारा 1 आ गया तो y कितना आ जाएगा हमारा, y इक्वल्स टू 2z, ये रिलेशन हमको पता है, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × z हमारा 1 है तो y की वैल्यू हमारा 2 आ जाएगी ठीक है। अगर हमने y प्राप्त कर लिया, ये सारी चीजें प्राप्त कर ली, तो हमारा a वेक्टर तो बहुत आसानी से बोला जा सकता है कि a वेक्टर इज इक्वल टू x तो हमारा 0 है, y हमारा 2 j कैप हो जाएगा और z हमारा 1 k कैप हो जाएगा, दिस इज माय a वेक्टर ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 13 आल्सो डन, आ जाइए जरा 14 देखा जाए, है ना। मैंने बोला था ना कि एक दो क्वेश्चन के बाद बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखा जाए। चले आइए, आ जाइए चलें क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए डॉट बी लेस देन 0 ठीक है ना, ए डॉट बी जो है हमारा वो लेस देन 0 है, देन फाइंड, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ठीक है ना, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है राइट। चलें देखें आ जाइए, आइए यहां पे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी ठीक है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा राइट। अगर इसको ध्यान देंगे तो ये हमारा ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, बड़ा भी सर राइट सेम ही चीजें लिखी हुई, इसको नीचे भेज दो तो यहां से बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना, टेन थीटा क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि ए डॉट बी जो है हमारा वो लेस देन 0 है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हमारा हो जाएगा पाई माइनस, क्योंकि ए डॉट बी हमारा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है। अब नेगेटिव कब हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो कभी क्या होंगे, देखो यहां से ध्यान दो, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा राइट। तो ए डॉट बी बताओ हमारे नेगेटिव कब हो सकते हैं, ए डॉट बी हमारा ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो कॉस थीटा ही नेगेटिव होगा, मतलब थीटा हमारा 90 से बड़ा होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, थीटा जब हमारा 90 से बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे सही आंसर दे देंगे। चलिए तो पाई माइनस पाई बाय 4, तो हमारा यहां से थीटा आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाय 4, 3 पाई अपॉन 4। चलो नोट डाउन कर लो ठीक है। चलिए तो यहाँ से आज हम अपने इस वीडियो के जरिए स्टॉप करते हैं ठीक है, लास्ट के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, अपना ध्यान रखिए, मम्मी डैडी का ध्यान रखिए, प्लीज पढ़ते रहिए, ओके बाय, थैंक यू।